ये रास्ता दिखाने में हमारी मदद करता है। और वो ये वॉकी टॉकी। क्या मैं इंजन वाला कमरा देख सकता हूँ? अब हमें वापस घर जाना होगा क्योंकि काफी देर हो चुकी है। चले फिर, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन देख लेंगे, यानी कल या परसों या फिर एक दो दिन बाद। मेरे शेर, चलो आओ हम मर्दों की तरह बात करते हैं। हो सकता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ना हूं, लेकिन अगर आप मेरे पास ना होए तो मुझे बहुत डर लगेगा। तुम कैसे डर सकते हो, तुम मेरे शागिर्द हो भाई। नहीं, अभी मैं इतना बड़ा शागिर्द नहीं हूँ। कप्तान बड़े होते हैं और शागिर्द छोटे होते हैं, अभी मैं छोटा हूँ। कप्तान के बगैर शागिर्द को डर लगेगा ना। चलो आजो, हम दोनों इंजन वाले कमरे में चलते हैं। चलो फिर। आओ मेरे शेर, चलो नीचे उतरो। ये लो मूसा भाई, इन्हें पकड़िए, सब कुछ मूसा भाई से पूछ लेना, ठीक है? चलो कप्तान, जो पूछना है मुझसे पूछो। इतनी बड़ी कश्ती कैसे चलती है? इसको क्या मैं आजादी के आंसू समझूं? मैं समझी नहीं। आजाद होने पर अक्सर तुम रोती हो क्या? अब यहां से उठ भी जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, समझी तुम? आओ मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवाऊं, उठो। तुम ठीक हो ना? मैं आजाद हूँ। हाँ मैं आजाद हूँ, तुम्हारी वजह से, तुम्ही ने मुझे आजाद करवाया है। रूस पहुंचकर तुम और आजाद हो जाओगी, शायद वहां कोई और आशिक बना लो। अगर इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो विदांत की तरह जेल में डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं, वो भी विदांत से बचता फिरे, इसीलिए मजलूमों की कुर्बानी देना बंद कर दो तुम, ठीक है? अपने मफाद के लिए किस किस की कुर्बानी दोगी तुम?